Welcome to BSc Live Classes official YouTube channel of BSc Academy Guwahati. In this video, I will bring to you the concept and triggers of number system. And this video will be in bilingual, that is both in Hindi and as well as in English. तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखें. और हम लोग ने जैसे कि आपसे प्रॉमिस किया था कि एक एसएससी जीडी का हम लोग सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये आज मैं आपको कराऊंगा नंबर सिस्टम के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि श्योर शॉट आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे. आई थिंक एक से ज्यादा 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपको देखने से मिलेंगे इस टॉपिक से. और ये मैं आपको कराऊंगा विथ वन ऑफ द बेस्ट एंड यूनिक ट्रिकर के साथ, ताकि आप क्वेश्चंस को लेस देन 5 सेकंड्स में आप इसको सॉल्व कर पाए. अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबको मिलते रहे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को. डिजिटल सम ट्रिक्स, ठीक है, ये सबसे अनोखा ट्रिक्स है, दैट इज डिजिटल सम ट्रिक्स. नाउ इन दिस ट्रिक्स डिजिटल, व्हाट यू मीन बाय डिजिटल सम? डिजिटल सम मीन्स किसी भी नंबर को, it is a method in which you have to add the digit of the number till you will get the single digit. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सपोज 175 है, तो इसको 1 + 7 + 5 करो तो कितना आ रहा है 13. अगेन इसे 1 + 3 से ऐड करेंगे तो ये कितना आ रहा है 4. दैट मीन्स किसी भी नंबर को आप तब तक एडिशंस करेंगे जब तक आपको सिंगल डिजिट ना आ जाए. चलिए मूविंग ऑन. और इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिकर आपको जानना होगा, दैट इज बेस नाइन. इस 9 के प्लेस में आप 0 भी लिख सकते हैं और 0 को प्लेस में आप 9 भी लिख सकते हैं. ये इसका ट्रिकर आप हमेशा याद रखिएगा, दैट विद द हेल्प ऑफ दिस वन क्वेश्चंस बहुत ही कम टाइम में और फास्ट वे में आप सॉल्व कर पाएंगे. जो मेन लर्निंग्स थी दोस्तों वो यही थी. चलिए आगे बढ़ते हैं. पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, बिल्कुल ही एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले ट्राई कीजिए सॉल्व करने के लिए. देखिए ये 1002, इसी वीडियो में आपको वो भी मिल जाएंगे जो मैंने आपको सिखाया, दैट इज टू फाइंड आउट द होल स्क्वायर ऑफ एनी नंबर. बट ये देखिए थोड़ा चैलेंजिंग हो जाएगा. हाउ टू सॉल्व दिस वन? देखिए कुछ नहीं करना है. दिस इज 1, 1 + 0 = 1, अगेन 0 = 1, 1 + 2 = 3. 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 9. आई एम रिपीटिंग वंस मोर, 1 + 0 = 1, + 2 = 3, 3² = 9. चलिए इसके बाद देखिए दोस्तों, 9 - ये 9 और ये 9 कितना हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा. 8 का स्क्वायर दैट इज 64, दैट मीन्स 6 + 4 इज हाउ मच 10. एंड अगेन 1 + 0 = 1, दैट मीन्स 9 - 1 = 8. अब आप ऑप्शन से चूज कीजिए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो आपका टोटल 8 हो रहा है. 1 + 1 = 2, + 0 = 2, + 1 = 3, + 2 = 7. ये रॉन्ग हो जाएगा. दिस इज 3, 4 - 6, अगेन दिस इज रॉन्ग. 2 - 4 = 1, 5 - 7, ये भी रॉन्ग है. 2 - 4 = 1, 5 - 7, दैट मीन्स ये भी रॉन्ग है. तो इसमें से आंसर आपका नॉन ऑफ दिस ही होगा दोस्तों, ठीक है. एक और भी ऑप्शंस होते हैं, दैट इज नॉन ऑफ दिस के भी ऑप्शंस होते हैं. फिर से सॉल्व कर रहे हैं. 3 का स्क्वायर किया मैंने 9 - 9 = 0. 8 का स्क्वायर किया दैट इज 64. 6 + 4 = 10. 1 + 0 = 1, दैट मीन्स 9 - 1 = 8. चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों. चलिए आगे बढ़ते हैं आप सेकंड क्वेश्चन की ओर. मेन आपको कंसेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है, दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट. चलिए अब इस क्वेश्चन ने बोला कि x का वैल्यू अगर 2 दे दिया जाए, अगर x का वैल्यू 2 दे दे तो x का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, प्लस ये 2 + 9 कितना हो जाएगा, ये 0. और x का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 4. प्लस 4 + 2 = 6 + 3 कितना हो जाएगा, ये 0.
और x का ये 2 हो जाएगा, प्लस 6 प्लस 3 इज 0, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1। चलिए 8 प्लस 4 इज 12 प्लस 2 इज 14, 1 इज 15, दैट मीन्स 1 प्लस 5 दैट इज 6। अब ऐड कीजिए किसमें 6 आ रहा है, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, 2 1 इज 3, 4 5 ये भी नहीं हो सकता, दैट मीन्स 3 3 6 1 7 ये भी नहीं हो सकता, 3 1 4 5 1 1 6 दैट मीन्स दिस इज आंसर। ठीक है, आप 5 सेकेंड से कम टाइम में भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए मैंने क्या बताया था आपको, 9 को हमेशा आपको 0 कंसिडर करना है और 0 को कंसिडर करना है आपको 9, दैट इज 7 प्लस 2 इज 9, यानी कि इज खत्म। ये x का स्क्वायर किया मैंने 4, 2 का क्यूब किया मैंने 8, अगेन 4 प्लस 3 प्लस 2 9 खत्म, x का मैंने 2 रख दिया यहाँ पे, 6 और 9 0, 1 का 1 रख दिया है मैंने यहाँ पे, 8 प्लस 4 12 प्लस 14 सॉरी 8 प्लस 4 इज 12 टू 14 1 15, 1 प्लस 5 इज 6, और ये मैंने मैच किया तो मेरे लास्ट का जो भी डिजिटल सम आ रहा है वो 6 होना चाहिए। चलिए पहले एक बार खुद से ट्राई कीजिए इसको सॉल्व करने के लिए, दैट इज देखिए ये 7 और 2 तो 0, इसका कुछ करना ही नहीं है, 3 प्लस 2 इज 5 माइनस 3 और 2 इज 5 माइनस दिस इज 8, दैट मीन्स यहाँ कितना हो जाएगा 5 माइनस, यहाँ ऑलरेडी माइनस है, दैट मीन्स यहाँ पे माइनस 3 हो जाएंगे, दैट मीन्स 5 माइनस माइनस विल बी व्हाट प्लस, ये माइनस बाहर आएगा तो दोस्तों क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, दैट मीन्स 5 प्लस 3 इज 8, 8 होना चाहिए आपका डिजिटल सम, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, 3 प्लस 2 5 दिस इज 6, 3 6 9 ये कैंसिल, दिस इज कैंसिल, 5 प्लस 2 7 बिल्कुल ये भी नहीं होगा, ये 9 कैंसिल, 7 6 13 एंड 8 इज 21, 2 प्लस 1 3 ये भी नहीं हो सकता, तो बचा कितना ऑप्शन, यही होगा राइट आंसर, 4 प्लस 1 इज 3 7 1 इज 8, ठीक है दैट इज 8। ये कुछ यूनिक कंसेप्ट है जो कि बहुत ही रेयर ही मालूम होते हैं। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन ट्राई सॉल्व कर रहा हूं मैं, ये एसएससी सीजीएल 2021 में पूछा गया सवाल है, दैट इज व्हाट मिनिमम नंबर शुड बी एडेड टू दैट मींस 13851 में आप कौन सा नंबर को ऐड करेंगे जो कि ये डिवाइड हो जाए किससे, एग्जैक्टली डिविजल बाई 87 से डिवाइड हो जाए। देखिए इसको भी आप डिजिटल सम के टेक्निक से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि ये 8 और ये 1 मैंने कैंसिल कर दिया ऑलरेडी 9, अब देखिए 5 प्लस 2 7 एंड सॉरी 5 प्लस 3 इज 8 1, दैट मीन्स दिस इज व्हाट 0, अब यहाँ पे कितना दे रहा है 15 दे रहा है, दैट मीन्स 1 प्लस 5 इज 15 दैट इज 6। अब मुझे ये करना है कि यहाँ पे कौन सा जो है वो 6 होना चाहिए, तो ही तो आप इसको डिविजिबल कर सकते हैं। फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ दोस्तों, ये 8 और 1 को मैंने कैंसिल किया, 9 से 0 हो गए, ये 5 प्लस 3 इज 8 प्लस 1 इज 9, दैट मीन्स अगेन दिस विल बी होल पार्ट विल बी 0, दिस इज 8 प्लस 7 दैट इज 15, 1 प्लस 5 इज 6। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन से मैच करना होगा कि कौन सा ऑप्शन जो है वो आपका 6 है, 9 प्लस 1 इज ये 0 दिस इज नॉट डन, 4 प्लस 3 7 ये भी नहीं होगा, 5 प्लस 2 7 ये भी नहीं होगा, क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है, बिल्कुल होगा, दैट इज 6 प्लस 9 इज हाउ मच 15, 1 प्लस 5 दैट इज 6, दैट मीन्स ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये थे कुछ क्वेश्चंस, और आने वाले आगे वीडियोस में भी मैं और भी न्यू टाइप के क्वेश्चंस, न्यू टाइप के ट्रिगर और बहुत ही न्यू न्यू कॉन्सेप्ट में लेके आऊंगा। अगर आप कंप्लीट सिलेबस पढ़ना चाहते हैं तो हम लोग की ऑफलाइन क्लासेस भी रन हो रही है, इस वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाके आप क्लासरूम की सारी जानकारी इन्फॉर्मेशन के थ्रू आप एनरोल भी कर सकते हैं। एवरी 15 डेज में एक न्यू बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे कि आपके अपकमिंग एसएससी सीजीएल के पेपर हैं और एज वेल एज एसएससी जीडी के भी पेपर है, तो ये अपॉर्चुनिटी बिल्कुल भी मिस ना करें, इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू पीपल टू क्रैक द एग्जामिनेशन। ठीक है, तो आपने कहावत सुना होगा कि मेहनत कीजिए सब्र का फल मीठा होता है, बट मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि सब्र का फल मीठा तब होगा दैट इज अगर आप मेहनत करें, दैट इज एक छोटा सा मैं कोड बोलना चाहता हूँ, सब्र का फल मीठा तब होगा जब मेहनत जारी होगा, फिर वक्त भी बोलेगा अब तेरी बारी है। ठीक है, तो मेहनत जरूर कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। चलिए तो वीडियो को लाइक कीजिए, बस यही आपसे फीस है, लाइक और शेयर कीजिए मैक्सिमम,
और जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, थैंक यू एवरीवन, बाय।